नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि गैलवे शॉप के अंदर आप अपना जी मनी किस प्रकार से रिचार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना गैलवे शॉप का लॉगिन कर लेंगे, जिसमें होम पेज पे आपको इस तरीके का एक स्क्रीन दिखेगा। जी मनी रिचार्ज करने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे नीचे बीच में बिल्कुल जी मनी का एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है रिचार्ज। जैसे ही आप रिचार्ज के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, आपके सामने ये एक अगली विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल लिखी होगी, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी, कंट्री एंड बाकी सारी चीज़। आपको जितने अमाउंट का अपना जी मनी रिचार्ज करना है उतना अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करें। जैसे कि मुझे 50,000 रुपये से अपना जी मनी रिचार्ज करना है, तो मैंने जी मनी में अपना 50,000 एंटर किया और सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, मेरे सामने ये पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है, जिसमें मैं सभी प्रकार के मोड से पेमेंट कर सकता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है, डेबिट कार्ड लिखा हुआ है, डेबिट कार्ड एटीएम लिखा हुआ है, नेट बैंकिंग, फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई, सभी प्रकार के पेमेंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास अभी क्रेडिट कार्ड है, तो मैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना यहाँ पर पेमेंट करूँगा। अब मैं सबसे पहले अपना कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करूँगा, 5123456789012346। नेम ऑन कार्ड, जो मेरा कार्ड के ऊपर नाम है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। सीवीवी नंबर, जो सीवीवी नंबर है हमारा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे ये सारी डिटेल्स मैं फिल कर देता हूँ, पे नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी से वैलिडेट करने के बाद और मेरा जी मनी रिचार्ज हो जाएगा यहाँ पे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, पेमेंट सक्सेसफुली मेरा गैलवे जी मनी 50,000 रुपये से रिचार्ज हो गया। अगर मुझे इसकी रिपोर्ट देखनी है तो मैं यहाँ पर व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करके देख सकता हूँ। मैंने जैसे सेलेक्ट किया 1 मई से लेकर 31 मई तक, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 मई को मेरा ओपनिंग बैलेंस था 10,19,000। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पे रिचार्ज हुआ हुआ है, जो रिचार्ज हुआ है वो यहाँ पे दिख सकता है, इतना क्रेडिट हुआ। फिर उसके बाद ये सारे मैंने ऑर्डर प्रोसेस किया तो इतना इतना अमाउंट कंज्यूम हो गया, और उसके बाद जो बैलेंस बचे हैं वो आप देख सकते हैं। जो अभी मैंने 50,000 रुपये का रिचार्ज किया वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी अभी रिचार्ज हुआ है 50,000 से, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 6,89,960।